ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाएंगी। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आने वाले चार दिनों के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि 23, 24, 25 और 26 सितंबर का समय कैसा रहेगा। परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति हो सकते हैं, जमीन जायदाद लेने का मौका मिल सकता है, घर बनाने का मौका मिल सकता है, वाहन कार्य इत्यादि अपने शान सौगत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं, जो कि आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। जो कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह महत्वपूर्ण कार्य का काजों को लेकर सावधानी से आपको वृद्धि हो सकती है, जो कि आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी कन्या राशि के लोगों की जातकों के जीवन में काफ़ी बढ़िया बदलाव होने वाला है। दोस्तों, चंद्र राशि से नवे भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण जिस तरह के मसाले बेस्वाद खाने को ललीच बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में जरूरी होता है, क्योंकि हमें अनुभव मिलने के साथ ही अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत को पता चलती है। इसलिए दुख में ही अब सब कुछ उससे कुछ ना कुछ सीख लेने चाहिए, नियंत्रण अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहने चाहिए। नौकरी पैसा वाले लोगों को इस दौरान ऑफिस में अपने पूर्व के मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने के अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे तो उन्हें अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो योग बन रहे हैं कि इस तरह आपको किसी भी बेहतर सैलरी के साथ साथ आपको कोई भी अच्छा ऑफर मिल सकता है, हो सकता है। इसलिए इस दौरान यह समय हर प्रकार के अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसमें अपने हाथों से फिसलने ना दें। इस दौरान आपकी खराब व्यवहार के कारण भी आपका कोई भी करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन में पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपका व्यवहार लालचपन लाएँ तो दूसरों से किसी भी प्रकार की विवाद में ना पड़े। इस दौरान किसी के साथ भी नई योजनाओं परियोजनाओं पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचने चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान बिना दूर के सोचे कोई ऐसा निर्णय को ले सकते हैं जिसके कारण भी आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ जाए। चंद्र राशि से पहले भाव में बुध के मौजूद होने के शिक्षा राशि फल के अनुसार यह समय शिक्षाओं के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों के लिए सामान्य अवसरों से भरा होने वाला है। खासतौर से वह छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला होगा, जिसके बाद वह अनुकूल फल को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा भटकाए रहें, खाली समय में पुस्तक को पढ़ते रहें। रविवार के दिन सूर्य ग्रह के लिए हवन या करना जीवन में आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोगों के जीवन में यह समय आपका स्वभाव यूं तो खुशमिजाज रहेगा, परंतु ना चाहते हुए भी आपके अपने प्रिय के साथ कुछ पूर्व के मतभेद पुनः उभरने की आशंका दिखाई दे रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपका अपने जीवन साथी अपने साथ ही अपना नजरिया समझाने में सामान्य से कुछ ज़्यादा ही तकलीफें महसूस हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस दौरान आपका नियंत्रण खोना विवाद को और भी बढ़ा सकता है। यदि आप शादीशुदा जीवन में पूर्व से कोई भी विवाद चल रहा था तो इस दौरान पूरी तरह से वह दूर होता दिखाई देगा। साथ ही आप अपने वैवाहिक जीवन को और भी अधिक मजबूत होते देख सकेंगे, क्योंकि संभावना है कि किसी भी खूबसूरत याद के कारण आपके और जीवन साथी के बीच सारी रूप से अनबन खत्म हो जाएंगे। वाद विवाद के हालात पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना ना भूलें। हर चीज़ को लेकर बड़े में शांति की भावना देखने को मौका मिलेगा। हर चीज़ में आप लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करना होगा और आपका दिन शुभ और बेहतर कार्य